हाँ ओके लो भाई, ही लो भाई, कर दिया। ठीक है चलो मैं गला रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, ओके। लाइक पैथोजेनेसिस में हम टाइप 1 डायबिटीज का क्या रीजन है, लाइक जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, इम्यून डिसरेगुलेशन है, इन सब चीजों की वजह से क्या हो गया कि जो बीटा सेल है वो आइसोलेट, जो आपकी बीटा आइसोलेट सेल्स है वो मतलब वेस्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। ओके ये तीन कारण हमारे हैं। इन कारणों में अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करूं तो ये आप चीज समझ पा रहे हो कि लाइक वायरस किसी का इन्फेक्शन हो गया, कोई टॉक्सिस डेवलप हो गए, कोई वैक्सीन हमने ली उस टाइम पे जब हमारा वो जीन्स भी एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था सपोज, या उस टाइम पे स्ट्रेस में चले गए तो वो ट्रिगर कर जाएगा, राइट। तभी टाइप 1 डायबिटीज जैसे जो बच्चे होते हैं लाइक ओबीज बच्चे हो गए, टेंडेंसीज तो हमने बात करी ना अभी थोड़ी देर पहले, वो टेंडेंसीज अगर किसी में है और साथ साथ ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी आ गया और जीन्स भी आपके पास ऑलरेडी है, ओके, जीन्स जो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको डायबिटीज से बचाने के लिए, और इम्यूनिटी भी आपकी सप्रेस हो रही है, तो आपकी जो है बीटा सेल जो है काम करना बंद कर देंगे, जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इनका, उसकी वजह से आपके टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके वन एंड यूजली मोर ऑफ दीज ऑटो एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड इन 85 to 90% ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया इज इनिशियली डिटेक्टेड। तो हम इसीलिए हमने कहा कि हमें वो दो टेस्ट अपने आईजीटी करवाना जरूरी है जिससे हम चेक कर पाए कि होता है नहीं होता है। इसी तरह से कुछ और डिसीजेज है लाइक हैशीमोटोज है, थायरोडाइटिस, एडिसन्स डिसीज है, विटिलिगो है, सीलिक डिसीज है, और आपकी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, या मायस्थेनिया ग्रेविस है, या पर्निशियस अनीमिया है, इन सब डिसीजेस को होने पर भी आपके चांसेस आपके क्या होंगे, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। दिस इज थॉट टू बी प्राइमरली या टी सेल मीडिएटेड प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटेंस इंसुलाइटिस इन न्यूली डायग्नोस पेशेंट्स। सो इस सब चीजों की वजह से जो यंगर जनरेशन है उसमें ये जो हमारी डिसीजेस डेवलप हो जाती हैं अगर उनको यंग एज में इस तरह की कोई बीमारियां हो रही हैं तो। ओके देन जो वायरसेस से रिलेटेड है, वायरस की अगर मैं बात कर रही थी, जैसे इसमें कुछ वायरस हैं आपके लाइक रूबेला वायरस हो गया, मम्स वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, आपका एप्स्टीन बार वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, रोटा वायरस हो गया, या कोकसैकी वायरस बी वायरस हो गया, ये सारे जो वायरस भी हैं ये आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, आपका बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं और इंसुलिन डेफिशिएंसीज को बढ़ा देते हैं। कई बार क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। दिस इज अ कंडीशन इन विच द सेल्स ऑफ द बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, दैट इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स टू अ गिवन अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड, एज अ रिजल्ट हायर लेवल ऑफ इंसुलिन आर नीडेड इन ऑर्डर फॉर इंसुलिन टू हैव इट्स इफेक्ट। तो ये कई सारे कारण हो जाते हैं हमारे टाइप 1 डायबिटीज के। ओके देन वी कम टू द टाइप 2 डायबिटीज, कि टाइप 2 डायबिटीज क्यों होती है। मान लो आपके जीन्स वीन्स सब परफेक्ट है, आप बहुत हेल्दी थे, फ्यूचर आपका बहुत हेल्दी था, लेकिन बाद में क्या हुआ आपको ओबेसिटी डेवलप हो गई, आपका क्या हुआ एक्सरसाइज नहीं कर रहे आपने, या आपने न्यूट्रिशन ठीक से आप नहीं ले रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज होती है, राइट, कि आपने उसकी वजह से फिर क्या हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो क्या होगा हमारा जो सेल्स हैं उनका ग्लूकोज अपटेक जो होगा, क्योंकि फैट बन जाएगा उसके चारों तरफ, तो फैट जब आ जाएगा चारों तरफ तो ग्लूकोज अपटेक कम हो जाएगा, लाइपोलिसिस बढ़ जाएगा, है ना, तो लिवर के फंक्शनिंग में भी गड़बड़ी हो जाएगी, ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो उसकी वजह से इंसुलिन आपका यूटिलाइज नहीं कर पाएगा सही तरीके से ग्लूकोज को, ग्लूकोज भी बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इधर दूसरा जेनेटिक वाला जो इफेक्ट है उससे भी अब उसका इफेक्ट भी साथ में आ जाएगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इधर डेवलप हो रही है और इंसुलिन डेफिशिएंट हो रहा है, उससे भी हमारा हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है। ओके सो टाइप 2 डायबिटीज का क्या है, बस प्रीवियसली रेफर टू एज, क्या बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, हमने अभी टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात किया था। क्या बोलते हैं बताओ, टाइप टू, NIDDM, यस, नॉन इंसुलिन, इसको फुल फॉर्म क्या हो गया, नॉन नॉन इंसुलिन, इंसुलिन इंसुलिन है डिपेंडेंट ना, कि डायबिटीज ये मेलिटस। मेडिसिन से भी आपकी
आपकी मेडिसिन से भी चली जा सकती है, ठीक हो सकती है, लेकिन कई बार जब मैनेज नहीं हो पाती है तो हम इसको मैनेज किससे करते हैं, मेडिसिन के थ्रू मैनेज करते हैं, मतलब इंसुलिन के भी जरूरत हो सकती है, इट्स नॉट लाइक कि इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी इस डायबिटीज में। तो दिस इज करेक्टराइज्ड बाय वेरिंग डिग्रीज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन डेफिशिएंसी। इट इज थॉट दैट द अर्लीस्ट डिफेक्ट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इज इंपेयर्ड इंसुलिन एक्शन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। Insulin resistance leads to certain physiological responses. Therefore, for type 2 diabetes to develop, two defects are necessary. Like one is resistance, second one is deficiency. Okay, so relative to the resistance. So the dual defect of insulin deficiency and resistance is type 2 diabetes is caused by interplay between the genetic and environmental factors. जो मैंने अभी आपको clear किया. Genetic factors आप समझ ही चुके हो, अभी मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था कि किस तरीके से ये डेवलप होता है। मोस्ट केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द ओबेसिटी, बट द फैट नेक्स्ट टू द इंटेस्टाइन इज विसरल फैट सीम्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जब भी किसी को अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी आ रही है तो उसको आप डराओ थोड़ा सा कि भाई जल्दी से वेट कम करो, अदरवाइज आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जेनेटिक्स एंड एथनिसिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोपोर्शन ऑफ विसरल फैट कंपेयर टू ओवरऑल फैट। A much higher proportion of the fat in Asians and particularly Indians is visceral fat compared to other population. Thus, Indians are at greater risk to develop insulin resistance and diabetes at lower degree of obesity. बाकी लोग तो क्या ज्यादा मोटे भी हो जाते हैं लाइक फॉरेन कंट्रीज में, तो उनको डायबिटीज इतनी नहीं होती है, लेकिन इंडियंस को ज्यादा होती है। रीजन उसका वही है, विसरल फैट उनकी बॉडी में ज्यादा होता है। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर अब हमारे क्या हो सकते हैं, वही कि हम लोग क्या खाते हैं, फैटी फूड, कार्ब्स सारे खाते हैं, तला भुना खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हम लोग कम करते हैं, तो दीज ऑल आर द हमारे फिजिकल एक्सरसाइज और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं। विच व्हाट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं, थोड़ा मैं और बताती हूँ कि लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आपकी आ रही है उसके क्या कारण हो सकते हैं। हमने बताया ग्लूकोज अपटेक, हमने लाइपोसिस बताया, हमने ग्लूकोज प्रोडक्शन भी बताया, इसके अलावा प्रेगनेंसी इज ऑल्सो द रीजन, इन्फेक्शन और सीवियर इलनेस इज ऑल्सो द रीजन, स्ट्रेस इज ऑल्सो द रीजन, जो हमने पिछली स्लाइड में भी टाइप वन में भी बताया था, और कई बार स्टेरॉइड यूज करने से भी हो जाती है। अभी हुआ था ना बहुत सारे केसेस में वेरी रिसेंटली, अगर हम बात करें तो यस मैम कोविड में बहुत हुआ ना, कोविड में सारे लोगों की शुगर लेवल बढ़ रही थी, क्यों बढ़ रही थी जी, स्टेरॉइड दिया जा रहा है, क्योंकि मैम डॉक्टर्स कई लोग थे, मतलब लाइक मैम मेरी मदर को भी स्टेरॉइड दिया गया था जब हमारी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था, तो उससे उनकी शुगर लेवल में भी बढ़ावा आया था, है ना, वो रीजन वही है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट क्या होता है कि जो हाई इंसुलिन लेवल आपका, जो सेंट्रल ओबेसिटी, लिपिड एबनॉर्मेलिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब की वजह से हमारा जो है डायबिटीज या मेटाबोलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अब व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है मैम, ग्लूकोज रेजिस्टेंस में क्या होता है, मतलब लाइक वहां पे जो उसके जो ले जाने वाले जो हैं ग्लूकोज को कैरी करने वाले जो, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, वी आर टॉकिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस ना, ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस, हां इंसुलिन को जो कैरी करने वाले जो सेल के अंदर ले जाने वाले जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, मतलब नहीं एक्चुअली क्या होता है, इंसुलिन तो ले जाता कौन है, ब्लड ही लेके जाएगा ना, ब्लड में तो ग्लूकोज ऑलरेडी है ना, ब्लड में ग्लूकोज, ब्लड तक ग्लूकोज, सेल्स तक ग्लूकोज पहुंच रहा है, सब जगह ग्लूकोज जो पहुंच रहा है कौन पहुंचा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है ना, ठीक है, यस। तो होगा क्या, इंसुलिन जब रेजिस्टेंट हो जाता है ना, तो जो इंसुलिन का जो इफेक्ट है उसका जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है, लाइक मतलब हमको थोड़ा एक्स्ट्रा इंसुलिन चाहिए होगा हमेशा, लाइक अगर मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अभी 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन अगर मान लो 10 यूनिट ऑफ ग्लूकोज को ले जा रहा है, तो वो एक तरह से कह सकते हो 7 यूनिट को ही ले जाएगा, तो बाकी के यूनिट के लिए इंसुलिन को और ज्यादा काम करना, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ऐसे समझ लो इंसुलिन की जो एफिशिएंसी होती है कैरी करने की ग्लूकोज को वो कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मैम उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, यस यस यस, ग्लूकोज की वजह से, मोर ग्लूकोज नहीं फैट की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के रीजन देखो ना, ग्लूकोज आप ज्यादा ले रहे हो तो आपका फैट डेवलप हो जाएगा ना चारों तरफ बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन ठक ठक करेगा ग्लूकोज को ले जाने के लिए, कहेगा चलो ग्लूकोज चलो, लेकिन कैसे, ग्लूकोज के चारों तरफ तो वहाँ फैटी सेल आ गई, तो घुस ही नहीं पाएगा उसके अंदर, एंटर नहीं कर पाएगा,
मैंने इसीलिए पहले से पीडीएफ इसलिए भेजी थी, पीडीएफ मैंने बहुत डिटेल में आपको लिखकर भेजा हुआ है, उसमें डायग्राम भी आप देख लें एक बार उसको। ओके मैम, यस यस, ये वाला स्पेशल मैंने डायग्राम वाला दिखाया नहीं है, बल्कि वाला डायग्राम उसमें दिया हुआ है मैंने। ओके ओके मैम, ठीक है, सो दिस इज द थिंग। और उसको भी अगर पढ़ लेना, इसके बाद ही अगर आजकल में पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस बैठ जाएगा। ओके, सो नाउ वी कम टू द मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बात कर रहे थे। सेंट्रल ओबेसिटी इज अ की कंपोनेंट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आजकल जो बहुत कॉमन है ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम सब सुन रहे हैं, है ना। तो जो हमारी इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन कैसे डिफाइन करती है इसको, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एज सेंट्रल ओबेसिटी प्लस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर किसी को सेंट्रल ओबेसिटी है और साथ में उसके क्या है रेज ट्राइग्लिसराइड या रिड्यूस एचडीएल लेवल या रेज ब्लड प्रेशर या फिर रेज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, तो इनमें से कोई दो फैक्टर और सेंट्रल ओबेसिटी है, तो इसका मतलब वो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो गया है। ओके, द मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुड बी ट्रीटेड एग्रेसिवली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड टू प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज। तो अगर कोई बीच में एब्डोमिनल मोटू है और अगर उसको ब्लड प्रेशर भी है साथ में, या और साथ में शुगर लेवल अगर हाई आ गया, या उसका ट्राइग्लिसराइड हाई आ रहा है, या एचडीएल यानी गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल आपका उसका लो आ रहा है, तो उसको फटाफट हमें केयर करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुड बी ट्रीटेड एग्रेसिवली, राइट, नो एंड टू प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज। IDF recommended for the primary management of the metabolic syndrome include promotion of a healthy lifestyle including moderate calorie restriction. ये हम इसके बारे में पूरा डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। कम से कम सीधे 5-10% हमें बॉडी वेट रिड्यूस करना है एक साल के अंदर, ये टारगेट बना के चलना, तभी वो चीजें सुधर पाएंगी आगे ठीक होने के लिए। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। डिफ्रेंशिएट फीचर्स ऑफ द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये बहुत इजी है, आप सब लोग भी आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। टाइप 1 डायबिटीज IDDM एंड IDDM हम अभी पढ़ते भी जा रहे हैं साथ साथ, इसीलिए इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं, उसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, एनीवन कैन रीड फॉर मी, कोई पढ़ना चाहेगा और साथ साथ समझा भी दो, बहुत इजी है, सब हम पढ़ चुके हैं, कोई पढ़ा रहा है, मैं पढ़ाऊं, एनी वॉलंटियर इज देयर, क्या हो गया, किसी को नहीं पढ़ाना, मुझे ही पढ़ाना है, मतलब मैम रीड करना है इसे, हाँ रीड पढ़ो, रीड करो और देखो समझ में भी आता जाएगा, जाने ही समझ में आए मुझसे पूछो। ठीक है, टेबल 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, अब डिस्क्रिप्शन में दो पढ़ा चुकी हूं मैं। टाइप 1 डायबिटीज, अदर्स नेम juvenile onset diabetes, insulin dependent diabetes, IDDM. Description: little or no insulin produced by the pancreas, absolute insulin deficiency, frequency of DM cases. दोनों का comparison साथ साथ पढ़ते जाओ तो याद जल्दी होगा। उसमें क्या हो रहा था, देखो टाइप 1 में क्या हो रहा है, लिटिल और नो इंसुलिन प्रोड्यूस, ठीक है, पैंक्रियाज उसको कर नहीं रहा है, इंसुलिन डेफिशिएंसी है। टाइप 2 में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं बना रहा है लेकिन कम बना रहा है ना, या फिर बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, मैं ही पढ़ देती हूँ, छोड़, ठीक है, ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, थैंक यू डियर। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायबिटीज केसेस क्या है, टाइप 1 डायबिटीज 5-10% होती है केवल, टाइप 2 डायबिटीज कितनी होती है, 90-95%। जो टाइप 1 डायबिटीज होगी बिलो 30 ईयर्स होगी, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज जो होगी आपकी 40-60 ईयर्स के बीच में ऑनसेट होता है उसका नॉर्मली। ओके, कंट्रोल बाय ओरल मेडिकेशन, हम टाइप 1 को नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है इसमें इंसुलिन ही इनसफिशिएंट है, तो इसमें हमें इंसुलिन देना पड़ेगा। यस, हम मैम जी, मैम इट इज कंपल्सरी कि अगर 30 ईयर से पहले हुआ है तो वो टाइप 1 में ही जाएगा, मोस्टली बेटा, मोस्टली आजकल तो 25 में भी होने लग गया टाइप 2 मोस्टली, अगर एक्चुअली बिफोर हेल्थी वर्जन की बात कर रहे हैं कि अगर ज्यादातर होता है तो उसको हम इंसुलिन का हम चेक करते हैं जरूर उसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, इंसुलिन फंक्शनिंग के ऊपर भी हम काम करेंगे अगर उसको बिफोर 30 इयर्स आ जाती है। अगर 30 इयर्स के बाद में आ रही है, 40 के आसपास आ रही है और उसके बाद में आ रही है, तो फिर हम टाइप 1 डायबिटीज के बारे में हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है ना,
क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे बेटा 25 साल या 30 साल में किसी को डायबिटीज हुई और हमने सोचा नहीं यार इसकी तो कंट्रोल हो रही है आराम से आपकी उनसे ओएचए से, लेकिन ओएचए से नहीं, वो कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, तब फिर कहीं जाके कई बार हम मिस भी कर जाते हैं इस चीज को। तो इसीलिए पैरामीटर हम रख रहे हैं कि 30 से लेस अगर हो रहा है तो टाइप 1 के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए उसमें इंसुलिन की जरूरत होगी। टाइप 2 में क्या है, नॉट यूजुअली इन द बिगिनिंग, हाउएवर एट द डिसीज प्रोग्रेसेस इंसुलिन इज फ्रीक्वेंटली नीडेड। होता है ना कई बार जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फिर हमें जरूरत पड़ने लग जाती है ना इस चीज की, राइट? यस और नो? यस मैम, है ना? ठीक है, सिम्टम्स क्या है? अब सिम्टम्स आप देख सकते हो, सिम्टम्स एक बार पढ़ो, मैं पानी पी लूं। Symptoms are often dramatic and appears suddenly. Frequent urination, extreme hunger, extreme thirst, extreme weight loss, weakness and tiredness, feeling edgy and having mood changes, feeling sick and stomach nausea, vomiting, blurred vision. यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई ऐसा सिम्टम है जो किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, है ना? अचानक से होगा जब भी कुछ होगा एकदम, मतलब क्या आप अच्छे खासे चल रहे थे, अचानक से पता चला शुगर एकदम हाई आ गई। आते हैं ना ऐसे केसेस कई बारी, 400-500 लेकर शुगर पहुंच गया कोई बच्चा, या अचानक से उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगी, या बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी, या सडनली वेट लॉस हो गया किसी बच्चे का, है ना, या टायर्डनेस बहुत ज्यादा होने लगी, तब हम क्या करते हैं? कई बार हम आजकल थायराइड का टेस्ट भी कराने लगे और शुगर भी चेक करते हैं ना, ठीक है? नॉजिएटेड फीलिंग कर रहा है, भूख ही नहीं लग रही है कई बारी, है ना, सिक फील कर रहा है। ओके ओके, किसको शो हुए थे? मैं नंदिनी में। वाओ गुड, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। घर में स्त्री है क्या? घर में, घर में ऐसा नहीं, पर मैं नानी साइड में सबको डायबिटीज है, पर मेरे बाबा साइड पे किसी को नहीं है। मैं टाइप टू पढ़ो। Symptoms may appear slowly and person may not feel any symptoms at all. Increased thirst, increased urination, feeling tired, feeling edgy, feeling sick to stomach, increased appetite, loss of weight, repeated or hard to heal, infection of the skin, gums, vagina or bladder, blurred vision, tingling or loss of feeling in hands or feet. Clear hai sabko? कोई फंक्शन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, कोई सिम्टम ऐसा है? तो भाई हमारे पास देखो एक नंदिनी केस भी है प्री डायबिटिक का। नंदिनी को टैकल करो सारे लोग पकड़ पकड़ के, ठीक है? ओके ओके, देन वी कम टू द ये सिम्टम्स की हमने जैसे बात करी, उसमें से कुछ कुछ सिम्टम्स इस टाइप के जो हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि लाइक कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी दिखा रही है, कई बार नहीं दिखा रही है। Ability of pancreas to produce enough insulin may be affected by age, genetics, alcoholism and pancreatic disease as well. ठीक है ना, तो type 2 diabetes इन सब चीजों पर भी depend करेगी आपकी। Okay, कुछ symptoms और क्या है like कि आपने देखो कि skin disorder like acanthosis, nigricans, ये एक symptom है आपका। Insulin resistance अगर है बहुत ज्यादा किसी को तो ये दिखाई देगा। दूसरा क्या है, areas of the skin have abnormally increased कोलरेशन, यानी हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है, वेलवेटी थिकनिंग। ये किसी ने देखा है किसी पेशेंट के साथ में? मैंने देखे हैं ये ऐसे सिम्टम्स। यस मैम देखा है, है ना? होते हैं ना इस तरह के सिम्टम्स कि अचानक से गर्दन के आसपास ना काला काला दिखने लग जाता है ना, राइट? Yes, और थोड़ा थिक थिक सा स्किन दिखने लग जाती है किसी के, आपने देखा होगा माथे के आसपास काला दिखने लग जाता है, मतलब जो चीजें ज्यादा एक्सपोज होती है ना, कह सकते हैं वो ब्लैक होना अलग चीज है, साथ में थोड़ा वेलवेटी लुक भी आ जाएगा, मतलब थिक हो जाएगी स्किन आगे। ओके, स्किन फोल्ड के रीजंस पर आपको दिखने लग जाएगा। दिस इज पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन स्किन फोल्ड रीजंस सच एज ऑफ द नेक एंड ग्रोइन, इवन ग्रोइन में भी जो कुछ लोगों को अपने आप पता चलेगा। अंडर द आर्म्स, अंडर आर्म्स में देखना आपका ब्लैकिश हो जाता है। इट मे लुक लाइक डर्टी नकल्स, कई बार देखा ना किसी किसी के हाथों में बहुत ही ज्यादा अजीब से काले काले, बहुत ज्यादा काले दिखते हैं। इसका मतलब समटाइम्स इट मे बी जेनेटिकली
कुछ लोगों का अगर स्किन कलर डार्क है तो मतलब सांवला है तो भी ब्लैक दिखेगा, बट किसी किसी गोरे लोगों का भी अचानक से एकदम बहुत डर्टी सा नकल्स दिखेंगे, एल्बो बहुत काली काली दिखती है, ठीक है, कितना ही साफ कर लो वो साफ नहीं होती है, ओके। तो ये सारी चीजों पे हमको ध्यान देना है और हमें देखना है सिम्टम अगर आपके किसी पेशेंट में ऐसे आ रहे हैं तो आपको ध्यान दोगे। रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज क्या क्या है, अब अगर आपकी एज 45 से ज्यादा है या उसके आसपास हो, ओबेसिटी अगर आपकी जितना आपका वेट होना चाहिए, हमारा बीएमआई आजकल तो वैसे 25 से भी कम माना जाता है हेल्दी, पता ही बात किसी को एशियन का कितना होता है आजकल बीएमआई? 23 है ना, ठीक है, तो लेकिन 25 से ज्यादा या 25 है तो भी चांसेस बढ़ रहे हैं, और ये हमारा नॉर्मल है तो इससे 20% अगर एक्स्ट्रा है तो या उससे भी ज्यादा है तो ओबेसिटी हम उसे काउंट करेंगे तो चांसेस बढ़ रहे हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है तो चांसेस बढ़ रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है तो चांसेस बढ़ रहे हैं, प्रीवियसली आइडेंटिफाइड आईजीटी तो चांसेस बढ़ रहे हैं, इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन वुमेन विद प्रायर जीडीएम और डिलीवरी ऑफ बेबी ओवर 3.5 केजी, अगर किसी ने 3.5 केजी से बड़ा बच्चा डिलीवर किया है या उसको जीडीएम हुआ था तो भी हमारे चांसेस बढ़ते हैं डायबिटीज के, ओके। इंडिविजुअल्स विद हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हमेशा रहता है या इक्वल है तो भी, और डिसलिपिडेमिया, डिसलिपिडेमिया में हमने बात की थी ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या एचडीएल कम है तो, इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मोर सो देन इन टाइप 1 डायबिटीज, ओके। हाउएवर द जेनेटिक्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ डायबिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड नॉट क्लियरली डिफाइंड, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे लोगों के डायबिटीज होने के, ओके। ये वाला हमने पढ़ लिया, ये वाला तो हमने पढ़ लिया ना सिम्टम वाला। मैम एक एक क्वेश्चन था, पूछो। कैन आई आस्क? मैम टाइप 1 मतलब हमने अभी जो इसकी डायग्नोसिस की बात की वो हमने टाइप 2 की बात की है ना, टाइप 1 में भी सेम होते हैं टेस्टिंग वगैरह सब कुछ? टेस्ट सब में सेम होंगे बेटा, आईजी सबसे पहला टेस्ट आईजीटी है सबसे पहला टेस्ट, ओके, ठीक है ना, बाकी के तो हम सिम्टम्स बता रहे हैं ना कि ये वाले सिम्टम्स अगर हैं तो हमें उनके शुगर लेवल टेस्ट करने चाहिए, और आईजीटी अगर आ गया जो लेवल मैंने बताया था, याद है आईजीटी कितना था बताएगा कोई मुझे? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आईजीटी की बात करी थी मैम, ये था 100 से कम होना चाहिए, 100 to 145 होना चाहिए आईजीटी की बात कर रही हूँ मैं, आईजीटी की 100 to 140 to 99 फास्टिंग जो है, फास्टिंग होगी लेस देन 100 और जो पीपी yes. होगी वो 140 to 199 ये दो हैं yes, पैरामीटर्स, ओके ठीक है चलो। तो मैम हमें वैसे ये आईजीटी और ये आईएफजी हम कब टेस्ट करते हैं बेसिकली, ये इस चीज का बेटा अभी अभी ये सारे सिम्टम्स क्या पड़ रहे हैं, ये सब पैरामीटर अगर आपको देखने मिल रहे हैं तब, ये सब पैरामीटर आपको किसी अपने पेशेंट में दिख रहे हैं तो ठीक है मैम तब हम करा सकते हैं अभी हमने, ठीक है, ठीक है मैम, ओके। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में, बाद में थोड़ी सी बात करते हैं, आज हम बात थोड़ी सी और करते हैं मोडी के बारे में, कौन जानता है MODY मोडी, ड्रग का ड्रग हम कल पढ़ेंगे मैम। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन द यंग मैम, ये शायद फुल फॉर्म है इसकी। हां रटी हुई थी क्या, कहां से पढ़ रही है ये मैम? टाइप मैम ने मुझे पढ़ाया था तो उसमें टाइप में ये टाइप भी उन्होंने बताया था कि वेरी ट्रू। तो अदर अभी हमने कितनी पढ़ ली, टाइप 1 टाइप 2 है ना, अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज लाइक अ मोडी, डायबिटीज ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स इन द बीटा सेल आर रेफर्ड टू एज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, अगर आपकी पता है पहले से कि बीटा सेल में आपके डिफेक्ट है तो मोडी बोलेंगे उसको, एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन विद मिनिमल और नो डिफेक्ट्स ऑन इंसुलिन एक्शन, ठीक है। इसमें मोडी इज अ मोनोजेनिक कंडीशन कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन दैट इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज यूजुअली अकर्स इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस यूजुअली बिफोर 25 years, वही मैं बता रही थी ना 30 की जगह 25 years से पहले ये हमारे होता है। It may be mistaken for type 2 diabetes because management of both condition does not require insulin. At least in the
अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिसीज हाउएवर मेनी डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन मोडी एंड टाइप 2 डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया इन मोडी इज माइल्ड इन सम केसेस एंड मे बी मिस्ड एज विद टाइप 2 डायबिटीज तो समझ रहे हो कई बार क्या है आपका इंसुलिन ठीक से नहीं बन रहा है लेकिन आपको हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा नहीं होता है जैसे टाइप 2 में डायबिटीज में होता है ना हाइपरग्लाइसीमिया पकड़ लेते हैं मोडी में भी मिसडायग्नोस्ड एज टाइप 1 डायबिटीज व्हेन हाइपरग्लाइसीमिया इज डिटेक्टेड इन चिल्ड्रन सो चिल्ड्रन और एडल्ट विद मोडी आर नॉट यूजली ओवरवेट वेयर एज दोज विद टाइप 2 डायबिटीज आर यूजली ओवरवेट ठीक है तो कई बार पतले दुबले लोगों में भी डायबिटीज हो रही है तो वो मोडी है ठीक है डिसीज ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एनी कंडीशन दैट इंजर द पैंक्रियाज डिफ्यूज कैन रिजल्ट इन डायबिटीज पैंक्रियाज में कभी कुछ चोट लग गई पैंक्रियाज में कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया सुना है ना इसका पैंक्रियाटाइटिस हो गया तो इसको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हम बोलते हैं ना नॉर्मली पेशेंट इस तरह से है ना दीज कंडीशन इम्प्लाई दैट अ मैकेनिज्म अदर द सिंपल रिडक्शन ऑफ बीटा सेल मास मे ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज Various pancreatic disease that may cause diabetes are pancreatitis, अभी मैंने बताया, trauma or surgical removal of the pancreas because of some reasons है ना कुछ हुआ हो, cancer of the pancreas or cystic fibrosis or fibrocalculus pancreatrophy, pancreatopathy, oh my god, इतना tough सा नाम है मुझे नहीं याद हो रहा, hemochromatosis or the iron storage disease also. तो ये चार पांच डिसीजेस हैं जिसकी वजह से आपका जो पैंक्रियाज इफेक्टेड हो जाता है और पैंक्रियाज जब इफेक्ट होगा तो हमारा डायबिटीज होने के चांसेस फुल बढ़ जाता है तो डैमेज टू द पैंक्रियाज मस्ट बी एक्सटेंसिव फॉर डायबिटीज टू अकर बट सर्टेन कैंसर सच एज एडिनोकार्सिनोमास इन्वॉल्व ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज बट हैव बीन एसोसिएटेड विद डायबिटीज तो किसी को भी पैंक्रियाटाइटिस है मैं अपने हॉस्पिटल में जरूर बताती हूँ कि आपको पैंक्रियाटाइटिस है तो आप भैया फैटी चीजें तो बंद करनी ही करनी है और आपको कार्ब्स वगैरह भी कंट्रोल में ही खाने हैं ओके तो दिस इज द थिंग कल हम करेंगे कम टू नो पैंक्रियाटाइटिस को पैंक्रियाटाइटिस का बेटा इट्स वेरी इजी पैंक्रियाटाइटिस का हमको पता चल जाता है सडनली बहुत सीवियर पेन होता है पैंक्रियाटाइटिस वाले लोगों को वो कुछ भी खाते हैं तो उन्हें वो खा नहीं पाते उनका पेट में दर्द शुरू हो जाता है जबरदस्त दर्द शुरू हो जाता है उनके ठीक है थोड़ा सा कल हम और पढ़ेंगे थोड़े से अभी सिम्टम्स और मेरे रह जाते हैं लाइक इंक्रीज यूरिनेशन को हम क्या कहते हैं इंक्रीज एपेटाइट को हम क्या कहते हैं अभी जो हमने सिम्टम्स पढ़े थे उसके बारे में कल हम थोड़ी बात कर लेंगे और फिर हम बात कर लेंगे ओजीटीटी के बारे में और हम थोड़ी सी मेडिसिन के बारे में दो वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिकेशन पूरा हम मैनेजमेंट में बाद में फिर से पढ़ेंगे पर थोड़ा सा कल बच रहा है तो कल इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे ठीक है ओके मैम ओके और कुछ पूछना है अभी तो बताओ आई थिंक पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई सब लोगों को मैम बस मुझे एक चीज और था